तो भैया तुमने सही सुना है यार, आज किस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं चैलेंज, और चैलेंज कतई फाड़ू होने वाला है, तो बस वीडियो को देखते रहना। तो ये वाली वीडियो में हम करने वाले हैं यूज़ ओनली वेक्टर चैलेंज। तुम्हें पता ही होगा वो चिकैट जैसी गन है ना, जिसको कोई नहीं उठाता, उसको हम आज पूरे मैच में यूज़ करने वाले हैं। और इस वाले मैच में बता देता हूँ भाई, 15 किल्स हैं और तबाही भर भर के चिकन डिनर भी है। तो बस देखते रहना भाई किस तरह से मैं भाई वेक्टर के साथ सर्वाइव करता हूँ। और गेम प्ले की बात करें तो ओल्ड बेसिन उतर रखे हैं और बहुत सारे बंदे आ रखे हैं, और यो तुम देख ही सकते हो यार, उतरते ही तुम्हारे भाई को मिल चुकी है वेक्टर। और भाई तुम्हें पबजी मोबाइल में भाई बहुत खतरनाक वाला डैमेज मिलेगा वेक्टर का, लेकिन पबजी लाइट में भाई कतई हक देगी ये वाली गन। तो मेरे भाई यार बिना एक्सटेंडेड मैग के तो मैं फाइट नहीं ले सकता था, इसलिए मैं नीचे आता हूँ। और यहाँ पर देखो भाई तुम्हारे भाई की कतई खतरनाक वाली किस्मत, भाई एक्सटेंडेड बैग भी मिल गया और भाई बंदे को भी निपटा दिया। उसके बाद एक और बंदा रश कर रहा है, और चच्चा शॉटगन लेके कहाँ के प्रधान बन रहे हो, तो यार इन वाले भाई को भी निपटा देते हैं। और उसके बाद भाई यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, तो सबसे पहले हील नहीं मतलब हेल्थ लगा लेते हैं, उसके बाद निपटाते हैं भाई बारी बारी सबको। तो यार यहाँ पे भाई वेक्टर की एमो कतई खत्म हो जाती है, लेकिन भाई इस वाले बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ, और भाई वेक्टर की एमो भी मिल जाती है, काफ़ी अच्छी किस्मत थी। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था, बस जो बंदा आगे आ रहा था उसे निपटा रहा था, और कोई पता नहीं चल रहा था भाई मैं किसको मार रहा हूँ और कौन मुझे डैमेज देने में लगा हुआ है। बस भाई जो दिखे पेलते जाओ। तो उसके बाद मैं बॉट बुट को भी निपटा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी दिखेगा तो मैं एक आदिवासी। और यही था वो भाई आदिवासी, और पता नहीं भाई किसने पीट रखा है साले को, मतलब कति लाल पीला हो रखा था। तो उसके बाद मैं सामने के साइड में आता हूँ, और सबसे पहले अपने बॉट का किल सिक्योर करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या नाम है इस गन का, MP5 के, हाँ भाई इस गन को ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों ली, लेकिन बस भाई उठा ली थी मैंने। और यो देख रहे हो भाई बॉट के नशे, भाई कतई गंदा वाला डैमेज देता है ये वाला बॉट। तो सबसे पहले यहाँ पे बैठ के हमें हेल्थ लगाना पड़ेगी, उसके बाद सामने वाले बंदों को निपटाते हैं। तो उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आता भाई यहाँ पे क्या हुआ, बस मुझे इतना पता लगा कि सामने एक बंदा आया जिसने कि मेरा किल बहुत गंदी तरह से चुरा लिया, और उसके बाद भाई मैंने उसको भी मार दिया, और वहाँ पे एक और किल मैंने अपना उठा लिया। तो उसके बाद आता हूँ भाई इस वाले बंदे को फिनिश करने के लिए, हाँ भाई। और यही था वो हरामी जिसने मेरा अभी किल चुराया। तो यहाँ से भाई आदिवासी को भी लूटते हैं और निकलते हैं भाई यहाँ से। और मेरे भाई सब्सक्राइब करने की याद है ना, तो भाई कर देना जल्दी से, और देख लो यार 3 मिनट हो रखे हैं और अभी तक मैंने ना लाइक के लिए मांगा ना सब्सक्राइब के लिए मांगा, तो भाई कर दो यार, भाई खुद ही कर दो ईमानदारी से, भाई बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कतई। तो उसके बाद मैं पूरे ओल्ड बेसिन में भाई बहुत गंदी तरह से लूट करता हूँ, फिर जाके मुझे भाई 2 वेक्टर मिलती है, और उसके बाद मैं यहाँ पे भाई थोड़ी बहुत एमओ लूट लेता हूँ, ज़्यादा एमओ तो मेरे पे थी नहीं। तो उसके बाद मैं यहाँ से गाड़ी लेके जा रहता हूँ, तभी दिखते हैं भाई सामने के साइड में गाड़ी, और भाई पूरे के पूरे 4 बंदे हैं, और यहाँ पे अगर मैंने क्लच कर दिया ना तो तुम्हें भाई वीडियो को शेयर करना होगा भाई। और भैया ये होती है असली किस्मत, कभी 2-2 बंदों को मैं एक साथ ले गया, और मुझे नहीं पता कैसे हो गया। और इस वाले सीन के बाद भाई एक मुहावरा याद आ रहा है कि भाई आदमी को तुम भाई सोने की परत भी चढ़ा लो तो भी आदमी रहेगा भाई भगवान नहीं बनने वाला, और वही यहाँ पे भी हो गया। मैंने भाई 2-2 गन्ने रख लिया भाई वेक्टर, और एक्सटेंडेड बैग भी दोनों में लगा रखा है, लेकिन इस वाले बंदे को मारने में भाई मतलब क्या बोलूँ, 3 रिलोड लग गए भाई एक गन के। तो उसके बाद सामने के साइड में ये वाला बंदा रिवाइव हो रहा है, और जो कि हम इसे होने नहीं देंगे, लेकिन साला हो गया गलती से। और रिवाइव होने के बाद भी सरामी को भाई ध्यान नहीं है भाई, कभी बॉट को पेलने में लगा हुआ है, तो इसको जल्दी से निपटाते हैं फिर से।
तो मेरे भाई एकदम बैक टू बैक तुम्हारे भाई दो बंदों को नॉक कर देता है। और अब लास्ट वाला बंदा रह रहा है, अगर भाई इसको भी मार दिया ना तो तुम्हें याद होगा भाई, तुम्हें शेयर करना होगा अपने किसी एक दोस्त को। और देख लो यार गोलियाँ काफ़ी कम हो चुकी थी, लेकिन अभी नीचे मिल जाएगी भाई मुझे गोलियाँ। तो इस वाले बंदे को डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, और सिर्फ ट्राई कर पाता हूँ। और उसके बाद भाई जोन में जाना था मुझे, क्योंकि ये वाला बंदा तो जोन में कल्टी हो चुका था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्मोक कर देता हूँ, लेकिन भाई मैं कतई बुद्धू था भाई, मैं सोच रहा था कि वो ऊपर बैठा हुआ भाई पहाड़ी पे, लेकिन वो मेरे पीछे था। और अब इतना तो भाई मुझे पता लग गया था कि बंदा पीछे है, लेकिन भाई ये नहीं पता था कि भाई वो कहाँ पे है। तो इसके लिए भाई मैं एक दिमाग लगाता हूँ कि भाई मैं गाड़ी लेके जाऊँगा और उसको भाई ऐसा बताऊँगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो भाई मेरी गाड़ी देख के बाहर निकलेगा और मुझ पर फायर करेगा। और ऐसा होता भी है भाई, और देख लो भाई मेरी गाड़ी को देख के वो खुले पे आ चुका है। तो अब जल्दी से निपटाते हैं उसको। और भैया जी मुझे कुछ ना पता भाई, तुम जल्दी से अपने एक दोस्त को शेयर करो भाई, जल्दी से कर दो। और पांच को करना चाहो तो यार वो भी कर सकते हो, तो ऐसे भाई एक को ही करना, तुम्हारी मर्जी आगे, ठीक है। तो उसके बाद इस वाले बंदे को लूटता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ मैं, और गाड़ी लेके आता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे भाई एक बंदा होता है, लेकिन मेरे भाई मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई बंदा बैठ रखा है, और उसने भाई एक भी फुटस्टेप नहीं दिया है। तुम बस देखते रहो भाई, एक भी फुटस्टेप नहीं आ रहा होगा तुम्हें मैप में, जबकि भाई ये वाला बंदा इसी घर पे बैठ रखा भाई, लेटा भी नहीं था भाई। लेटा हो तो फुटस्टेप नहीं आता, लेकिन भाई साला लेटा भी नहीं था फिर भी फुटस्टेप नहीं दे रहा था। और मैं गाड़ी में बैठता हूँ भाई, तभी उड़ता उड़ता भाई ग्रेनेड आता है मेरी गाड़ी पे, और यहाँ पे तो मैं जैसे तैसे करके बचाता हूँ, लेकिन मुझे पता लग जाता है कि बंदा कहाँ पे होगा। और भैया जी इतनी गंदी कैंपिंग कौन करता भाई, एक बार भी नहीं हिला यहाँ से, और नहीं तो भाई फुटस्टेप आ जाते भाई, एक ना एक बार तो आ ही जाते, लेकिन हिला ही नहीं कमबख्त। तो भाई मुझे फुटस्टेप भी नहीं आते इसके। तो उसके बाद मैं सोचता हूँ कि यहाँ से भाई AWM ले लूँ, और मेरी थोड़ी सी बुद्धि भ्रष्ट होती है, मैं उठा भी लेता हूँ, लेकिन अभी भाई बुद्धि ठिकाने में लगा देंगे दो बंदे। और ये रहा पहला, और दूसरा भी भाई इसका साथ साथ में आ चुका है इसका बंदू। तो दो दो बंदे यहाँ पे मेरे पे रश कर रहे हैं, तो भाई मुझे पता था एक वेक्टर से तो मैं यहाँ पे संभाल नहीं पाऊँगा, इसलिए भाई दो दो की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं भाई चुपचाप वेक्टर उठा लेता हूँ, और अब दो दो बंदे भाई मेरे पे रश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैंने क्लच कर दिया ना तो तुम्हें भाई कमेंट करना होगा भाई, वेरी नाइस। और यो वाले लेजेंड एक्स को तो मैं निपटा देता हूँ, और उसके पीछे भाई गेम एक्स प्रो भगा भगा रहा है। और इसी के साथ भाई मैं नकली गेम एक्स को भी निपटा देता हूँ, क्योंकि भाई ये आज अपनी चड्डी पहन के नहीं आया था, तो इसकी शक्तियाँ भाई चड्डी में रह गई। और इस वाले बंदे को मैं बंदे मतलब नकली गेम एक्स प्रो था, मजाक कर रहा था, ठीक है। और इसने नाम रख रखा था तो मैं भी क्या करूँ। उसके बाद मैं गाड़ी लेके आता हूँ भाई इस वाली साइड पे, क्योंकि नीचे की साइड में भाई बंदे फायरिंग कर रहे थे। और जो वाला बंदा दिखता है, और भाई पहली स्प्रे थी ये वेक्टर के साथ इतनी दूर, और मुझे पता लग जाता है कि भाई इस गन से कुछ नहीं होने वाला, साला मतलब बहुत गंदी वाली रिकॉइल कर रही थी गन। तो उसके बाद भाई बहुत ज़्यादा देर तक मैं यहाँ पे देखता रहता हूँ कि भैया कहाँ लेट गया वो बंदा, लेकिन मिलता नहीं है। तो उसके बाद मैं गाड़ी लेके निकल जाता हूँ जोन पे, क्योंकि भाई सेफ जोन नहीं मतलब ब्लू जोन आ चुकी थी, तो निकलना तो बनता है। तो उसके बाद भाई गाड़ी से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था, तो मुझे लगा भाई गर्म हो चुकी है गाड़ी, इसलिए भाई मैं पानी में डाल देता हूँ, और भाई मतलब कभी ठंडी हो जाएगी ना तो धुआं धुआं बंद हो जाएगा। और उसके बाद भाई मैं मतलब जोन में आ चुका था, और जोन में सिर्फ एक ये नल्ला पेड़ था, तो सबसे पहले इसका कवर लेते हैं। और सामने से तुम देख सकते हो भाई नंगे भेड़िया की तरह दो दो बंदे आ रहे हैं मुझे मारने। और इस वाले बंदे को गंदा वाला डैमेज देता हूँ। एट लास्ट भाई बड़ी मतलब मेहनत के बाद ये वाला बंदा नॉक हो जाता है। और उसके बाद भाई अब इसके टीममेट की बारी है, तो इसको भी निपटाते हैं जल्दी से। और भैया जी कतई इजी सा चिकन डिनर। और भाई तुम्हारे भाई ने ये वाला चैलेंज भी कबल चैलेंज
क्या बोल रहा हूँ, चैलेंज भाई कंप्लीट कर दिया है। तो इस वाली चीज़ के लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ हो जाना चाहिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बता देना भाई कमेंट करके भाई आपको कौन सा चैलेंज चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, तो वही करेंगे हम भी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।